मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा विंग कमांडर अभिनंदन को भारत वापसी के उपलक्ष्य में एक विशाल बाइक रैली निकाली गई, जो कि टीकमगढ़ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मानस मंच पहुंची, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल रहे। आपको बता दें, वही केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा तो एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, और हम सभी लोग बहुत ही उत्साहित होकर आज बाइक रैली निकाल रहे हैं। वहीं बता दें, टीकमगढ़ में बाइक रैली से युवाओं का एक अलग ही जज्बा नजर आ रहा था। टीकमगढ़ से वसीम खान के साथ जमील खान की विशेष रिपोर्ट। अटल जी की सोच है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की भावनाओं को पूरा करते हुए न केवल पिछले 5 वर्षों में देश की आवश्यकताओं को पूरी करने वाली योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है, बल्कि उन्होंने जब पुलवामा पर जो हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी दृढ़ता के साथ में उन्होंने न केवल उसका प्रतिकार किया, बल्कि देश भारतीय जनता युवा मोर्चा को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश के लिए विधानसभा में युवा संकल्प बाइक रैली निकाली है। हमारा उद्देश्य है कि जो आज मोदी जी ने आज भारत का आज नाम इतना गौरवान्वित किया है, भारतीय सेना का इतना मजबूत किया है, देश का एक एक नौजवान आज उत्साही है। इसके साथ हमने आज भारतीय युवा मोर्चा टीकमगढ़ में पूरे नगर में युवा साथियों के साथ आज बाइक रैली।